अवैध मवेशियों की तस्करी करने वाले एक वाहन पर कार्रवाई करते हुए पाचपावली पुलिस ने वाहन चालक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं चार आरोपी अभी भी इस मामले में फरार है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंढे ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के निर्देश के बाद से पुलिस प्रशासन की ओर से मवेशियों की तस्करी और हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत पाचपावली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध मवेशियों की तस्करी करने वाले वाहन चालक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार पाचपावली पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिस पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने टेकानई बस्ती फारूक नगर रोड लुट्टो सेल्स दुकान के पास से अवैध मवेशियों की तस्करी करने वाले वाहन को पकड़ा, जिस दौरान पुलिस ने आकाश गडकरी, शहबाज कुरैशी वल्द ख्वाजा कुरैशी और सज्जाद अली वल्द रहमत सैयद अली को हिरासत में लिया। वही आरोपी शेख अरबाज वल्द शेख अब्दुल गफ्फार, मोबिन अहमद वल्द महबूब अहमद कुरैशी, अब्दुल कादर कुरैशी और फिरोज फकीर मोहम्मद कुरैशी फरार है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंढे ने अधिक जानकारी साझा की। आदरणीय सीपी सरांनी यापूर्वीच वेळोवेळी आदेश दिलेले आहे की जे अवैध कत्तली गोवंश जनावराची कत्तल करण्यासाठी अवैध वाहतूक करतात अशा लोकांवर कठोरपणे कारवाई करून हा अवैध प्रकार पूर्णपणे थांबविला पाहिजे असे आदेश दिलेले आहेत। त्याच्या अनुषंगाने डीबी पथक रात्री पेट्रोलिंग करत असताना टेकानई बस्ती फारूक नगर रोडला लुट्टो सेल्स हे दुकान आहे, त्याच्याजवळ आम्ही पेट्रोलिंग करत असताना डीबी स्टाफसह एक बोलेरो पिकअप वाहन त्या ठिकाणी येताना दिसले। त्यास थांबवून जसं थांबवलं तर त्या प्रमाण थांबवल्याबरोबर काही आरोपी पळून गेले आणि ड्रायव्हरसह इतर दोन आरोपी आमच्या ताब्यात मिळाले। गाडीची पाहणी केली असता गाडीमध्ये 12 गोवंश जनावरं अत्यंत निर्दयतेने बांधून ठेवलेले होते। तर त्याच्या अनुषंगाने त्या ड्रायव्हर्सला आणि त्या दोन इतर दोन इसमांना आम्ही कागदपत्र विचारली की नेमकी ही जनावर कुठून आणली, काय आणली आणि कशाकरता अशी क्रूरपणे बांधून ठेवलेली आहे। त्यावर त्यांनी कोणतेही कागदपत्र नसल्याचं सांगितलं। तर त्यांनी असं सांगितलं की त्याचे जे पळून गेलेले आरोपी आहेत, त्याचे साथीदार जे आहेत, त्यांच्यासोबत ते कत्तली करता त्या आणण्यात आल्या होत्या। पुलिस ने आरोपियों से कुल 9,60,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।